श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। परमात्मा का स्वरूप संपूर्ण होता है, केवल जन्म मात्र नहीं मृत्यु भी परमात्मा का ही स्वरूप है, केवल स्वास्थ्य मात्र नहीं बीमारी भी भगवान का स्वरूप है। और इसीलिए इस विश्व रूप में अर्जुन ने जब देखा कि अमीचत्वाम धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सहैवावनिपाल संगैः भीष्मो द्रोणस्सूतपुत्रस्तथासो साहस्मदीयैरपियूध मुख्य वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति द्रष्टा करालानि भयानकानि केचित् विलग्ना दशनान्तरेषु सदृशन्ते चूर्णितैर्मुग्धा आङ्गैः। उन्होंने जब देखा कि बड़े बड़े योद्धा भगवान के इस कराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं, मृत्यु के मुख में प्रवेश कर रहे हैं, और इसका तात्पर्य क्या है, चाहे कोई भी रहे हमको यहाँ से बिस्तर बांधना है। एक हमने कहानी पढ़ी, बड़ी सुंदर कहानी, अलेक्जेंडर द ग्रेट, उसको पता चला कि उसकी माँ बीमार है। उसने सोचा चलो माँ को मिलने चले जाए, तो जब वापस जा रहा था तो बीमार हो गया बीच में, और उसको पता चला कि अब मैं जिंदा नहीं रहने वाला। तो उसने अपने कमांडरों को बुलाया और उनको कहा सुनो हमारी बात, अब हम मरने वाले हैं, हमको कोई नहीं रोक सकता, तो हमारी ये आज्ञाओं का पालन होना चाहिए मरने के बाद। बोले यस सर। पहली आज्ञा, जिन डॉक्टरों ने मेरे स्वास्थ्य की देखभाल करी है उन्हीं डॉक्टरों के कंधों पर मेरी अर्थी उठाई जाए, पहली इच्छा। दूसरी, जितनी धनदौलत मैंने लूटी है और जितना सारा लेके मैं आया हूँ उसको उस रास्ते पर बिछाया जाए जहाँ से मेरा जनाजा जा रहा हो। और तीसरी बात, मेरे हाथ कॉफिन के अंदर में मत रखना, मेरे हाथ जो है वो कॉफिन के बाहर रखना और खुले रखना। बोले सर ऐसा ही होगा। तो सवाल ये आया कि आप ऐसी विचित्र इच्छा क्यों कर रहे हो, ये कोई इच्छा होती है मरने के बाद? तो उन्होंने कहा दुनिया को ये समझ दे दो कि चाहे कोई भी डॉक्टर आ जाए कुछ भी दवाई दे, अपन को इधर से जाना है। जब हम तैयार हो जाए ना जाने के लिए तब परेशानी नहीं होती, जब तैयार नहीं होते तब परेशानी होती। दूसरी बात, हमने जितना सारा इकट्ठा किया है धन दौलत, इधर का इधर ही रहना है। तीसरी बात, हम कुछ नहीं लेके आए थे, कुछ नहीं लेके जाते, तो यदि हमको मरना ही है तो कैसे मरे? ये बात अर्जुन ने दो श्लोकों में बताई। पहला श्लोक है यथा नदीनां बहवो वेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ती तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्य विविज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोका तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगा। समृद्ध वेगा, बड़े जल्दी जल्दी मरने को मर रहे हैं। एक बार हम किसी शमशान में गए थे किसी को पहुंचाने, और वहां एक बढ़िया बोर्ड लिखा हुआ था यहां आने के लिए लोग मरते हैं।
बढ़िया बात है। तो हम मरते तो सभी हैं, किस प्रकार से? यहां दो बातें बताएं। पहली बात, यहां तो हम अपने जीवन को वैसा समाप्त होने दे जैसे नदी पहाड़ से निकल करके समुद्र में जा करके बड़ी शांति से अपने आप को समुद्र में मिला देती है। एक तो मरने का ये तरीका है, स्वाभाविक तरीका। मरना तो सबको ही है। क्या हम नेचुरल मरते हैं कि परेशान होकर के मरते हैं? इसलिए छंदांसी यस्य पर्णानी यस्तम वेद सवेदवीन 15वें अध्याय में भगवान कहते हैं, यदि हमारा जीवन शास्त्रों के सिद्धांतों के अनुसार चले, देखो तो हमारा जीवन हमने जिया है, तो ब्रह्मचर्य आश्रम में क्या करना है, गृहस्थ आश्रम में क्या करना है, वानप्रस्थ में क्या करना है, संन्यास में क्या करना है, इधर हमारा ध्यान हो। तो यदि हमने अपना जीवन योग्य प्रकार से जिया है तो व्यक्ति को बुढ़ापे में जाकर के दो परेशानियां होती है, वो नहीं होगी। कौन सी दो परेशानियां होती है? एक परेशानी होती है इसकी ग्लानी कि मैं जब जवान था तब मैंने सत्संग क्यों नहीं किया। एक अंग्रेज ने हमको कहा कि जर्मनी की बात है, हमारा कोई वहाँ रिट्रीट चल रहा था, दूसरे दिन उसने कहा कि स्वामी जी 25 साल पहले यदि आप हमारे लाइफ में आते ना तो हमने कहा उनको फिर भी हम आपसे शादी नहीं करते। वैसी बात नहीं, फिर बात कैसी है? बोले फिर मैं 3 बार डाइवोर्स नहीं लेती। 3 बार उसे डाइवोर्स लिया था। अभी आते आते मैं न्यूज़ पढ़ रहा था, मिश्रा जी को दिखाया, आज के टाइम्स में एक कपल पिछले 23 साल से फाइट कर रहा है, 23 साल के बाद उसको डाइवोर्स मिला। तब तक कि उनका मन बदल गया, नहीं नहीं हमको नहीं चाहिए, रख लो तुम। देखो तो हमने उसको कहा कि ठीक है अब हो गया तो हो गया। बोले स्वामी जी मैं क्या करूँ, हमने एक और ट्राई मारो और क्या कर सकते। यू हैव बिकम एक्सपर्ट नाउ इन मैरिज एंड डाइवोर्स। तो हमने कहा तुमने हमको प्रश्न पूछा, अब हम पूछेंगे तो क्या है। हमको ये पूछना है आपसे, जब आप पहली बार शादी करें तो अपने को समझने के लिए एक इक्वेशन बनाएंगे। तो पहले बार जब आप वाइफ बनी, पत्नी बनी, तो W1 और आपके जो पतित पावन सीताराम है वो हो गए हस्बैंड 1 H1। तो पहला जो आपका फॉर्मूला होगा शादी का वो होगा W1 H1। जैसे H1N1 था ना वायरस, ये शादी का वायरस ही है, कुछ नहीं है। देखो समझदार आदमी कभी शादी नहीं करता। तो H1 और W1 H1 पहला, उसके बाद आपने डाइवोर्स ले लिया, फिर दूसरी शादी करी तो दूसरा वहाँ पेयर तैयार हो गया W2 H2, फिर तीसरे बार हुआ फिर W3 H3। अब मेरा प्रश्न ये है, इज W1 = W2 = W3 = what? ये उसका उत्तर दो मुझे। बोले स्वामी जी मुझे आप कंफ्यूज करा रहे। हमने कहा हम भगवान कृष्ण के भगत हैं, हम ऐसा ही करते हैं। जरा ध्यान से सुनो महाराज, हमने अपने जीवन में ये यदि कुछ सत्संग नहीं किया ना तो बुढ़ापे में जाकर के फ्रस्ट्रेशन आता है, ऐसा क्यों नहीं किया महाराज? यदि आप हमारे जीवन में 25 साल पहले आते, क्या 25 साल पहले महात्मा लोग नहीं थे दुनिया में? हम नहीं उनके लिए उपलब्ध थे, तो जो करना चाहिए था सत्संग इत्यादि वो नहीं किया, तो उसकी ग्लानी बुढ़ापे में आदमी को मारती है। और जो नहीं करना चाहिए था वो किया, तो उसकी भी ग्लानी मनुष्य को बुढ़ापे में परेशान करती है।
तो जो व्यक्ति अपने ही होने में प्रसन्न नहीं है उसने जीवन जिया थोड़ी है, वो तो अपना मृत्यु जी रहा है। देखो महाराज, स्वर्ग नरक कोई स्थान विशेष नहीं है। देखो टेक्निकली स्पीकिंग लोक स्वर्ग लोक, लोग तो अपने घर का भी नाम स्वर्ग रख देते हैं, इसीलिए शादी के बाद स्वर्गवासी हो गए। तो स्वर्ग लोक का तात्पर्य है, लोक माने अनुभूति अनुभव, उसको लोक कहते हैं स्वर्ग लोक। और ये स्वर्ग लोक की परिभाषा कठोपनिषद में आती है। नचिकेत कहते हैं स्वर्गे लोके न भयं किंचनास्ति न तत्रत्वं न जरया विभेति उभे तीर्त्वा अशनाया पिपासे शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। स्वर्ग किसको कहते हैं? जहाँ इन छह परेशानियों से मुक्ति होती है। कि बीच में जो खुर्चियाँ लेके बैठे हैं ना ज्ञानी लोग, खुर्चियाँ लेके पीछे चले जाओ, आपके पीछे के लोगों को परेशानी हो रही है। गुर्जा ले गुर्जा भी उठाओ वहां से, थोड़ा पीछे जाके बैठो। गुड, थोड़ा तो अलर्ट होना चाहिए। तो स्वर्गलोक क्या है? उसमें छह बातों का अभाव होता है। पहली बात, स्थूल देह को लेकर के बुढ़ापा और मृत्यु, इनका वहां भय नहीं होता। स्वर्गे लोके न भयम किंचनास्ति, निर्भय होकर के जीना उसको कहते हैं स्वर्ग में जीना। डर डर के जीना ये तो मृत्यु लोग है। देखो, और किसका भय होता है? स्थूल देह को लेकर के बुढ़ापा और मृत्यु का भय। तो फिर प्राण को लेकर के भय होता है भूख और प्यास का, अशना पिपासे। हमेशा एक ही चिंतन, क्या खाना है क्या पीना है, क्या खाना है, दूसरा कोई चिंतन ही नहीं जिंदगी भर। और जब आदमी किसी काम में बिजी नहीं रहता है ना, तो आदमी को एक ही चीज याद रहती है कि क्या खाऊं, दिन भर खाना खाना। ये खाने का एक आपको हम असली उदाहरण देते हैं, हम हमेशा झूठने बोलते, कभी कभी ठीक भी होते। एक हमारी अम्मा है पहचान की, पढ़ी लिखी है, कॉलेज की प्रोफेसर है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, बड़ी यूनिवर्सिटी में काम करती है, एकदम मिनी एलिफेंट के जैसी है। और उसकी उसके पोते हैं, माने उसकी उम्र 55-60 के करीब होगी। इतनी खाती है इतनी खाती है, उसके दोनों बच्चे डॉक्टर हैं। फाइनली लड़कों ने जबरदस्ती से मम्मी का ऑपरेशन करवाया है, और वो स्टिच लगाते हैं स्टमक को अंदर में, स्टेपलिंग वो कर दिया। वो करने के बाद भी खाने पे कंट्रोल नहीं, तो क्योंकि स्टेपलिंग कर रहे ज़्यादा खा नहीं सकती। अब ज़्यादा खा नहीं सकती तो खाएगी उल्टी कर जाएगी, फिर खाएगी फिर उल्टी करेगी। अरे आदमी है कि पैजामा। तो दूसरी परेशानी ये में होती है अशना पिपासा, दो और दो चार। अब तीसरी परेशानी मनोमय कोष को लेकर के शोक और मोह, जिसके जीवन में भय बुढ़ापा मृत्यु भूख प्यास शोक और मोह, इन छह कारणों से भय निर्माण नहीं होता, वह व्यक्ति स्वर्ग में रह रहा है। तो यदि हमने अपना जीवन शास्त्र के सिद्धांत के अनुसार योग्य प्रकार से जिया, तो बुढ़ापे में जाकर के कोई भी ग्लानी अंतकरण में निर्माण नहीं होगी। इसीलिए पहले कहते हैं अर्जुन कि जिस प्रकार से नदियां अपने उद्गम स्थान से प्रारंभ होती है और समय पर धीरे धीरे पहुंचते पहुंचते समुद्र में जाकर के लीन हो गई, इसी प्रकार से हमारा जीवन एकदम कृतकृत्यता का होवे, ये तभी होगा यदि हमारा जीवन शास्त्र सम्मत सिद्धांतों के अनुसार चले, अपने मर्जी से नहीं। लेकिन महाराज
ये जो प्रश्न विचारने वाले होते हैं ना, उनको भूख नहीं लगी होती। कैसे, आप लोगों का ही उदाहरण दूं मैं, आप लोग समझते हो बच्चे जो होते हैं ना वो टिफिन के बॉक्स होते हैं, उनको दबाते जाओ दबाते जाओ, तो सुबह से ये बच्चे बकरी की जैसे चरते रहते हैं, ऑल जंक फूड। फिर खाने का समय आ गया, 12 बज गए, फिर माँ बाप कहेंगे बेटा खाना खा लो, नहीं तो खाना खाना पड़ेगा, नहीं तो तुम अच्छे नहीं बनोगे। अब उसको भूख ने तो कैसा खाना खाएगा, वो फिर भी जबरदस्ती ले आओ। फिर वो आएगा डाइनिंग टेबल पर, आने के बाद देखेगा क्या नहीं है और कहेगा मुझे वो चाहिए। ये नखरे क्यों, भूख नहीं है इसलिए। अब उस बच्चे को 12 बजे तक पानी भी मत दिलो, दो मम्मी भूख लगी, अरे बेटा आधा घंटा और थोड़ा टाइम लो लेना, और 12 बजे टिश्यू पेपर की सैंडविच बना करके दे दो, मम्मी बड़ी टेस्टी है, भूख लगी है ना इसीलिए टेस्ट। हमको यही एक समस्या है, तत्व जिज्ञासा प्रकट नहीं हुई। विवेकानंद स्वामी कहते थे अपने गुरु को कि हे भगवान, आपसे माँ बात करती है, हमसे क्यों नहीं करती बात? बोले तुम चाहते नहीं। बोले नहीं मैं चाहता हूँ। बोले नहीं, तुम यदि रियली चाहते तो वो निश्चित बात करेगी तुमसे। कितना चाहना है तो कहते बताएंगे, अभी तो चलो नहा के आते, समय नहाने का हो गया। जब गंगा जी में नहाने गए तो गुरु महाराज ने उस शिष्य का सर पानी के नीचे डुबो दिया और पकड़ के रखा। कब तक रहेगा अंदर? झटका मार के बाहर आ गया। और कैसे, केवल एक ही इच्छा कि मुझे सांस लेनी है। उस समय कहते हैं जिस प्रकार से पानी के नीचे तुम सांस लेने के लिए तरस रहे थे, वैसी तरस जब माँ से बात करने की होगी ना तो माँ निश्चित बात करेगी। हमारी स्पिरिचुअलिटी, सेठ जी बैठे हैं, चुन्नू मुन्नू गोद में है, एक की उंगली नाक में एक की कान में है, सामने सेठानी दिव्य शरीर खड़ा है, दिव्य माल्यांबर धरम, दुनिया भर के आभूषण लतपत हो गए हैं। उस समय सेठ जी हजार की गड्डियां चिन रहे गिन रहे हैं। उस समय भगवान सामने आ जाए तो देख लेंगे। देखो महाराज, जब तक के भूख नहीं लगती ना तब तक के सब ऑब्स्टेकल्स आते हैं। इसीलिए अपने जीवन को ऐसा सुधारे कि जैसे गंगा जी है, प्रारंभ से निकलती है, सबका भला करते 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 अपने आप को मिटा देती है। ये है योग्य प्रकार का जीवन। और दूसरा जीवन अर्जुन कहता है, यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विशंति नाशाय समृद्ध वेगा। ये जो पतंगे होते हैं बारिश के दिनों में, वो वहाँ का प्रकाश, वहाँ की चमचम देख करके इतने आकर्षित हो जाते हैं, अंधेरे में कौन रहेगा, वहाँ जाके मजा आएगा। अपने अंदर के कन्हैया को भूल गए और बाहर के वस्तु व्यक्ति देश काल परिस्थिति उसमें हमने आनंद की कल्पना करी और वहाँ दौड़ रहे दौड़ रहे, ये खाएंगे वो खाएंगे, इसके साथ भोग उसके साथ भोग। लेकिन योग कब कहोगे? योग तो बुढ़ापे में करने की बात है, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो हम भोग करेंगे। लेकिन भोग के बाद योग नहीं आता, रोग आता है। तो जैसे पतंगे भोग में प्रवृत्त हो करके अपना सत्यानाश कर लेते हैं, इसी प्रकार से यदि हमने अपना जीवन भोग में स्वार्थ से प्रेरित होकर के लिया तो हमारा भी जीवन वैसा ही नष्ट हो जाएगा जैसे पतंगे। अब इसमें दो प्रकार के प्राणियों देखो आप। पहला जो जीवन था समुद्र के जैसे नदी का मिलना, उसमें भीष्माचार्य द्रोणाचार्य उन्होंने अपने जीवन के कर्तव्य को पूरा करने के लिए उन्होंने युद्ध में पैर रखे थे, उनका कोई स्वार्थ नहीं था। लेकिन दुर्योधनादि जो थे दुष्ट प्रवृत्ति के लोग, उन्होंने स्वार्थ से प्रेरित होकर के युद्ध में प्रवेश किया था। तो जो स्वार्थ से प्रेरित होकर के
जीवन जीते हैं उनकी गति इन पतंगों के जैसी है, और जिन्होंने अपने जीवन को कृतकृत्य बनाया है उनकी गति नदी का समुद्र में मिलना ऐसी होती है महाराज। और यही तो हमको सीखना है, नहीं तो केवल मैकेनिकली चैंटिंग शुरू हो जाता है यदा नदी नाम भावो में वेगा, कुछ नहीं होगा। अच्छा महाराज, लेली हसे ग्रसमान समंतान लोकान समग्रान वदनैर्वलद्भिः तेजो भीरा पूर्य जगत समग्रम भासस्तवो ग्रा प्रतवन्ति विष्णु। तब भगवान जब एक एक को खा रहे थे और उस समय कोई कोई उनके मुख से बचने का प्रयत्न कर रहे थे। कोई डॉक्टर के पास जाता है, मेरा हार्ट रिप्लेस कर दो, कोई कहता है मेरी किडनी निकाल दो, कोई कहता है मुझे लिवर ट्रांसप्लांट कर दो, ऐसे जो मृत्यु के मुख से भागने को जा रहे थे ना, तो भगवान अपनी जीवा निकाल करके अंदर खींचे जा रहे थे। जाओगे कहाँ महाराज, लेली ऐसे माने चाट रहे थे, मृत्यु के मुख से कोई नहीं बच सकता महाराज। ये अत्यंत महत्व की बात है, लेली ऐसे गसमान समता लोकान समग्रान वदने ज्वलत भी तेजो भी, आपका जो तेज से परिपूर्ण जो आपका मुख है उसमें आप सबको समा रहे हो, जगत समग्रम वासस्तवो ग्रह पतवंति विष्णु। हे विष्णु भगवान, ये आपके तेज के कारण संपूर्ण जगत ताप रहा है। और ऐसा जो भगवान का भयानक रूप अर्जुन ने देखा, तब अर्जुन घबरा गया। श्रीमद् भागवत महापुराण आप लोगों ने सुना होगा निश्चित करके, उसमें प्रह्लाद जी का प्रसंग आता है। प्रह्लाद जी को कोई भी डाउट नहीं था कि भगवान सब जगह है, हमको डाउट होता है। नहीं, ये तो मानते हैं भगवान सब जगह है, लेकिन मेरी सांस में कैसे संभव? परेशानी तो यही है, सब तो मानते हैं वहां नहीं हो सकता, लेकिन प्रह्लाद जी को बिल्कुल उसमें कोई संदेह नहीं था। और इसीलिए जब खम्भे को तोड़ा तो उसमें से भगवान प्रकट हो गए, और वो भी उनका जो नरसिंह रूप था एकदम भयानक था, उसको देख करके सब घबरा गए। लक्ष्मी जी भी घबरा गए, बोले मुझे डाउट लग रहा वही हो क्या कि कोई और हो, पत्नी को हमेशा डाउट ही होता है। और उस समय सब घबरा रहे, लेकिन हमारे प्रह्लाद जी बिल्कुल नहीं घबरा रहे। देखो, भगवान के सौम्य रूप को देख करके जो प्रसन्नता होती है, वही परमात्मा के उग्र रूप को देख करके यदि प्रसन्नता हुई, तो जाके हमने भगवान को पूरी तरह से पहचान लिया है। जन्म में भी वही है, मृत्यु में भी वही है, स्वास्थ्य में भी वही है, रोग में भी वही है। जिंदे आदमी का ही स्वास्थ्य होता है और जिंदे आदमी को ही रोग होता है, मुर्दे का ना तो स्वास्थ्य होता है ना तो रोग होता है। तो यदि हमको कोई बीमारी है ना, थैंक यू जिंदा है अभी, मरने के बाद वो भी नहीं होगा। देखो संतो, इसीलिए परमात्मा का संपूर्ण दर्शन जिसने किया है उसके लिए लाभ भी उसी का अनुग्रह है और हानि भी उसी की कृपा है, सुख भी उसका अनुग्रह है, दुख भी उसका अनुग्रह है। अब इसको समझ लो ऐसे, पिछले बार जब हम आए थे 10-15 साल के पहले की बात है, तो हमारे दांतों में कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम किसी डेंटिस्ट के यहाँ गए तो उसने कहा कि आपके यहाँ छेद करने पड़ेंगे, और 2-4 उसने छेद करे तो बहुत दर्द होता, और शाम को लेक्चर, बीच में कोई मिलने को आते थे, हमने कहा हम किसी से बात नहीं करेंगे, केवल लेक्चर देंगे बाकी बंद। फिर एक ने उसमें भी चिट्ठी, स्वामी जी आपके दांतों में इतना दर्द हो रहा है तो आपको कैसे लगता है? मैंने उत्तर दिया सेंटीडेंटल। ध्यान से सुनो, यदि
दर्द नहीं होता तो दांत में खराबी है ये पता चलता क्या? तो दर्द जो हुआ है वो अच्छी बात है। देखो एक दूसरा उदाहरण दे आपको, ये समझ लेना अच्छी तरह से, जीवन के सुख दुख का दोनों भगवान का प्रसाद होता है। एक हमारी अम्मा है, डॉक्टर नहीं है, गायनेकोलॉजिस्ट है, और सबसे घटिया यदि कोई बिजनेस होगा ना तो गायनेकोलॉजिस्ट। बेचारी परेशान रहती है, और ये बच्चे भी इतने बदमाश होते हैं, ऑन टाइम में आते हैं रात को 2 बजे, और ये अपनी वेट कर रही है जल्दी आ जाए जल्दी आ जाए, नहीं आते। और जब सोचे ठीक है मैं झपके लगा के आती, उसी समय क्या है तो इसके कारण उसके पैर बड़े फूल जाते थे, वेरीकोज हो गया। तो उसका दर्द मिटाने के लिए वो पेन किलर खाना शुरू कर दिया। अब डॉक्टर नहीं है तो कौन उसको रोक सकता है? पहले आधी टैबलेट लेती थी, फिर उसका टाइटर बढ़ गया, फिर एक टैबलेट लेने लग गई, फिर दो, फिर दिन में 2 बार, ऐसे करने करते उसको अंदर में पेन है ये अनुभव ही नहीं आता था, क्योंकि पेन को दबा दिया। एक दिन उसको बहुत पेन हुआ सब इसके बावजूद भी, तो उसने अपने डॉक्टर ने फ्रेंड को बुलाया। बुलाने के बाद था कि देखो मुझे नीचे में बड़ा पेन हो रहा है, तो डॉक्टर ने आई और उसको देखा तो उसके सर्विक्स को हाथ ही लगाने की देरी थी, जैसे दही हंडी फूटती है ना हमारे बम्बई में गोविंदा वाले जो करते हैं, वैसे एकदम फूट गई, इतना सारा बकेट भर के बस। और फिर उसने कहा कि 3rd degree cancer। ध्यान से सुनना, पहले यदि दर्द हुआ उसी समय ध्यान देते तो इतना बढ़ता क्या? ध्यान से सुनना, जब जब हमारे जीवन में दर्द आता है तो समझ लेना होशियार हो जाओ। दर्द केवल शरीर का नहीं, दर्द मानसिक, कहीं हमको अपमान हुआ, कहीं दुख हो गया तो समझ लेना हम गलत रास्ते से जा रहे हैं। उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादये, हम इस जगत में अपना उद्धार करने के लिए आए, दुनिया को छोड़ दो, किसी के चक्कर में कभी मत पड़ना, अपने मन की शांति को देखो। इसीलिए अर्जुन ने जब यह भगवान का उग्र रूप देखा तो वो घबरा गया कि हे भगवान आप कौन हो? देखो तो कहते हैं आख्या ही मे को भवान उग्र रूपो नमोस्तुते देव वर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवंत माध्यम नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम। हे भगवान उग्र रूपा, हे उग्र रूप के भगवान आप कौन हो? आख्या ही मुझे बताइए तो सही, और आप शांत हो जाइए प्रसीद। विज्ञातुमिच्छामि भवंत माध्यम, मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ कि आप कौन है, और नहीं प्रजानामि तव प्रवृत्ति, मुझे समझ में नहीं आ रहा है आप सबको क्यों खा रहे हो, सबको क्यों मार रहे हो। देखो कई जगह ये प्रश्न आते हैं, जब सुनामी आती है और बड़े भूकंप धरणी कंप होते हैं तो ये प्रश्न आते हैं, हम जी भगवान इतने सारे लोगों को क्यों मारता? अब इसका एक ही उत्तर है, उसकी कॉलर पकड़ो, उसको पूछो, और उसकी कलर पकड़ के पूछने जाओगे ना तो प्रश्न गायब हो जाएंगे, क्योंकि उस कुल के सामने कोई भी प्रश्न रह जाएगा। इसीलिए महाराज इस सिद्धांत को स्वीकार कर ले, जगत की प्रत्येक अनुभूति हमको प्रभु का स्मरण दिलावे, ये आध्यात्मिक साधना है। अच्छा हो तो भी हरि इच्छा, बुरा हो तो भी हरि इच्छा, इसमें जैसे जैसे आप सूक्ष्मता से जाएंगे तो आपके मन में परमात्मा का प्राकट्य सहज भाव से होगा। ध्यान से सुनना, भगवान का प्राकट्य माने ये मत समझ लेना भगवान आपके हृदय में आए और बंस में लेकर के और उनकी बांसुरी जो है आपके हृदय को पोंछ रही है, इसका अर्थ वो नहीं है। भगवान का प्राकट्य केवल आनंद स्वरूप होता है, आप दुखी होने से इनकार कर दोगे, दुख आएंगे,
दुखी नहीं होंगे। देखो ये यदि हम अत्यंत जागृत होकर के जीना शुरू करें ना, तब जाकर के भगवान के विश्व रूप को हम समझ रहे हैं। अच्छा, अब अर्जुन ने जब प्रश्न पूछा कि भगवान आप कौन है, सबको मारे जा रहे हो, भगवान कहते हैं श्री भगवान वाच कालोस्मि लोक क्षय कृत प्रवृत्तः लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋते त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये वस्थिता प्रत्यनेकेषु योधा तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मयैवेते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतान् त्वं जहिमां यतिष्ठां युद्धस्वजेतासि रणे सपत्नान्। अर्जुन ने जितने प्रश्न पूछे थे सभी प्रश्नों के उत्तर भगवान ने इसमें दिए। पहले प्रश्न था क्या आप कौन हो, कालोस्मि, मैं काल हूं। अब काल शब्द को ठीक से समझ, एक तो काल जो हम जानते हैं वो फिजिक्स से अनुसार जानते हैं, आधा घंटा, एक घंटा, दो घंटा, वो काल। आप जब जाते हो ना मथुरा की तरफ ट्रेन से, आपने पढ़ा होगा हर जगह लिखा होता है जय गुरुदेव, दूसरा लिखा होता है कि सत्य युग आएगा, तो आपको पूछा कोई तो कोई पूछते ही बाबा जी को देख करके, स्वामी जी इस पर आपका विश्वास है क्या सत्य युग आएगा। हमने कहा उसको मारो गोली, मुझे बता आज का दिन क्या है, बोले आज का संडे है। हम कहते हैं मंडे आएगा, इस तरह की झूठ है, संडे के बाद तो मंडे ही तो आएगा ना। इसी प्रकार से ये कौन सा युग चल रहा है, ये कलयुग चल रहा है, कितने युग है, चार है, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर और कलि। अब कलि के बाद क्या आएगा, सत्य ही आएगा ना, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि, फिर सोम मंगल चलता रहेगा। काल यह चक्र है, काल इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन। तो हम काल का अर्थ कर लेते हैं मिनट, घंटे, साल और युग इत्यादि, एक तो काल का वो अर्थ है, लेकिन वो काल का अर्थ गलत है। ये काल का नाम है लीटर, दो लीटर दूध, तो ये जो लीटर है ये दूध का नाम है ना। देखो एक टैंकर पानी, तो टैंकर जो है पानी का नाम है, 6 लीटर पेट्रोल, तो 6 लीटर जो है ये पेट्रोल का नाम है। इसी प्रकार से एक घंटा ये काल का नाम है, एक हफ्ता ये काल का नाप है। नाप और नापा गया एक दूसरे से भिन्न होते हैं, एक ही नहीं होते। देखो भगवान कहते हैं काल हास्मि, मैं काल हूं, तो इसका अर्थ क्या है, शास्त्रों के अनुसार काल का अर्थ है वह शक्ति जिसके कारण सभी में ऐसा परिवर्तन आता है कि जिस परिवर्तन के कारण वह वस्तु अपने ही नाश को प्राप्त हो जाती है। उदाहरण के लिए एक बीज है, आम का बीज, उसको बो दिया, अब वो आम का बीज बोने के बाद धीरे धीरे फूलेगा, फूलने के बाद उसमें से पेड़ निकलेगा, बढ़ेगा, फिर उस पर ब्रांचेस आएगी, फिर पत्ते आएंगे, फिर फूल आएंगे, फिर फल आएंगे, फिर फल बड़े होंगे, फिर फल कच्चे रहेंगे, फिर पकेंगे, फिर नीचे गिर गया पका हुआ आम, और पके नीचे गिरने के बाद फिर वो आम सड़ने लगेगा, सड़ करके फिर उसकी मिट्टी हो जाएगी, और फिर उस दूसरे गुठली से फिर दूसरा पेड़ निकलेगा। यह जो कंटिन्यूस प्रक्रिया चल रही है जिस शक्ति के कारण होती है उसको कहते हैं काल। हम लोग जो कहते हैं ना कि मैं बड़ा हूं, अरे बड़ा हुआ तो क्या, जैसे पेड़ खजूरा,
बड़ा होने में हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है, हमने क्या किया कि हम बड़े हो गए। ये तो पृथ्वी माता सूर्य के अगल बगल में दौड़ रही है और हम कहते हैं हम 25 साल के। एक छोटा सा बच्चा था, उसको पूछा मैंने, बड़ा इंटेलिजेंट, मुझे भाई तेरी उम्र कितनी है? तो ऐसा सोचने लग गया। तो उसकी माँ कह रही थी, स्वामी जी, तो उसने कहा मम्मी चुप, मम्मी चुप हो। फिर उसने कहा, स्वामी जी अभी तक पृथ्वी ने सूर्य की 5 चक्कर काटे हैं। जब उसने ऐसा कहा तो उसकी माँ मुझे कहती है, स्वामी जी ये हमेशा ऐसा बोलता है, मुझे समझ भी नहीं आता। अब आपने उसको सीधा पूछा उम्र क्या है, अब कहाँ से सूर्य और पृथ्वी आ गए बीच में? हमने कहा माँ उसने टेक्निकली ठीक बताया है, जब एक प्रदक्षिणा पृथ्वी की सूर्य के अगल बगल में पूरी होती है तब एक ईयर हो जाता है, तो 5 चक्कर काटे हमारी 5 साल का है। अब पृथ्वी सूर्य के अगल बगल बढ़ रही है और हम बड़े हो रहे हैं, कोई मतलब है इसका? इसीलिए काल हमारे वह शक्ति जिसके कारण जगत के सभी वस्तुओं में प्रकृति में निरंतर परिवर्तन आते जा रहा है, जिसने उस काल को पहचान लिया है वो परिवर्तनों के द्वारा प्रभावित नहीं होगा। लेकिन हमारा ध्यान होता है परिवर्तनों पर, यदि ध्यान प्रभु पर रहेगा तो ये काल की दाल हमारे सामने नहीं होगी। कालोस्मि लोक क्षय कृत प्रवृद्धः, और इस जगत में हर चीज अपने मृत्यु की तरफ दौड़ रही है। कोई भी चीज ले लो आप, हर एक वस्तु अपने नाश की तरफ दौड़ रही है। एक बार हम शांति से चाय पी रहे थे, हमारे जीवन का सबसे बढ़िया टाइम होता है रोज का जब हम अपने हाथ से चाय बनाते हैं और शांत बैठ करके बड़े प्यार से पीते हैं, उस समय हमारा बेस्ट मेडिटेशन होता है। तो हम इस प्रकार से एक बार शांति से बैठ करके बढ़िया चाय की चीज के ले रहे थे, उतने में एक महामाया टपकी। टपकने के बाद महामाया हो चुप बैठे, असंभव है। स्वामी जी आप क्या कर रहे हैं? तो मैंने कहा मौत की राह देख रहा हूं। नहीं 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 स्वामी जी आप ऐसा क्यों कर रहे? हमने कहा वो राह देखना खत्म हो गया, तुम आ गई ना। असल में देखा जाए हम करते क्या है, यही तो कर रहे हैं। सुबह उठे, चलो 24 घंटे का एक्सटेंशन मिल गया, फिर सोए, कोई जरूरत ही उठेगा कोई? तो केवल हम अपने मृत्यु की राह देख रहे हैं और कुछ नहीं है। कालोस्मि लोक क्षय कृत प्रवृत्तः, तो यह जो तत्व है जिसके कारण संपूर्ण विश्व में परिवर्तन हो करके यह नाम रूप का जगत अपने ही विनाश के लिए चल पड़ा है, वह मैं हूं। और इसीलिए लोकान समाहर्तुम यह प्रवृत्ता, तो इस संपूर्ण विश्व को समेटने के लिए मैं प्रवृत्त हो गया हूं। जन्म और मरण ये एक ही सिक्के के दो साइड है। बचपन मर गया, जवानी आई, जवानी मर गई, मिडिल एज आया, मिडिल एज मर गया, यंग एडल्ट आया, यंग एडल्ट मर गया, आई थिंक आई एम ओल्ड आ गया, आई थिंक आई एम ओल्ड मर गया, नाउ तो बाबा बुढ़ाऊ बन गए। एक के बाद एक चलते रहता है, मृत्यु और जन्म एक ही वस्तु के दो नाम। इसीलिए लोकान समाहर्तुम यह प्रवृत्ता, ऋतेपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिता प्रत्यनेकेषु योधा। अब देखो महत्व की बात, भगवान कहते हैं अर्जुन ऋतेपि त्वां, चाहे तुम हो या न हो, ये जितने यहाँ इकट्ठे हो गए ना, हम लोग एप्लीकेशन में लिखते हैं ना थैंकिंग यू इन एंटीसिपेशन, इसी प्रकार से तुम हो या ना हो ये सब के सब किल्ड इन एंटीसिपेशन,
मैंने सबको मार दिया है ऑलरेडी, और तुमको लगता है कि मैं मारने वाला हूं। अर्जुन का एक प्रश्न था प्रथम अध्याय में, मैं इनको कैसे मारूं। भगवान कहते हैं तुम मारने वाले होते कौन, देखो मारा है, मैंने इनको ऑलरेडी मार दिया है, इसीलिए तुमको ये जो दुख लग रहा था ना, मैं इनको मारूंगा तो पाप लगेगा, पाप लगेगा तो नरक में जाऊंगा, ये चक्कर में मत पड़ना। तुम्हारे न होते हुए भी न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिता प्रत्यनेकेश योद्धा, जितने भी इस युद्ध के मैदान में इकट्ठे हुए जो योद्धा है वो ऑलरेडी मेरे दृष्टि से मर चुके हैं। अब ध्यान से सुनना, भगवान की दृष्टि और हमारी दृष्टि में क्या है। एक बार की बात है, हम एक पेड़ पर बैठे हुए थे और वहां उनको लिखा रहे थे। उस पेड़ के नीचे एक गांव का आदमी था, पगड़ी पुगड़ी बांधे, धोती पहने, शाम का समय वेट कर रहा था, घर तक जाना है, कोई बैलगाड़ी भी नहीं आ रही और ये तो बसें ट्रेन कुछ चलती भी नहीं इधर में, हे भगवान कुछ तो करो, कम से कम एक खाली बैलगाड़ी भेज दो, मैं थक गया हूँ, मैं चल नहीं सकता, भगवान रात हो रही है। जब वो ऐसा कह रहा था मुझे ऊपर में सुनने को आ रहा था, मुझे ऊपर से देखा एक बैलगाड़ी आ रही है दूर से, तो मैंने वहाँ से आकाशवाणी की, पुत्र तुम्हारी प्रार्थना हमने सुन ली, एक बैलगाड़ी आएगी, उसका एक बैल सफेद होगा एक काला होगा, उस पर घास लादी होगी और जो गाड़ी चलाने वाला है उसकी जो पगड़ी है वो हरे रंग की होगी, एक घंटे के बाद पहुंचेगी और तुमको यहां से तुम्हारे गांव में ले जाएगी। भगवान धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अब एक घंटे तक वो हरे राम हरे राम 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 हरे 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 हरे, टाइम पास करने का इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं। भगवान का नाम केवल टाइम पास करने के लिए लो, बाकी कोई कारण नहीं है। तो उसने शुरू कर दिया, एक घंटे के बाद गाड़ी आ गई और वो पहुंच गया घर। अब वो जब जाएगा गांव में चुप बैठेगा क्या, कहानी शुरू हो गई। मैं उस पेड़ के नीचे था और मैंने भगवान की प्रार्थना करी और मुझे आकाशवाणी आई ऑल इंडिया रेडियो, बेटा एक गाड़ी आएगी, एग्जैक्टली वैसे के वैसे हुआ। दूसरे दिन पूरा गांव का कस्बा का कस्बा हो गया, डम डम डम, महात्मा जी की जय, महात्मा जी की जय, मुझे नीचे उतारा और बड़ा सजा दजा के बन गए महात्मा। और नहीं, असल में क्या हुआ ध्यान से सुनना, जो व्यक्ति पेड़ के नीचे था उसको जो देखने का क्षेत्र है वो सीमित है, और मैं जो पेड़ के ऊपर था मेरा जो देखने का क्षेत्र है वो उस व्यक्ति के परिणाम में परिमाण में बहुत बड़ा है ना। तो जो समय पेड़ के नीचे वाले व्यक्ति के लिए भविष्य काल था वो मैं जो पेड़ के ऊपर बैठा था मेरे लिए वो वर्तमान काल था। देखो इसी प्रकार से जब हम ये देह नाम के पेड़ के नीचे दब के बैठे हैं तो हमारी दृष्टि भिन्न होती है, और यदि हम इस पेड़ के ऊपर आके बैठे चैतन्य में तो हमारे लिए भूत भविष्य वर्तमान सब एक हो जाता है। देखो समझो, इसीलिए भगवान कहते हैं कि तुमको जो लगता है मैं उनको भविष्य में मारूंगा, मैं आज बताता हूं इनको मैंने ही मार के रखा है, तुमको मारने की जरूरत नहीं है। देखो कितनी सुंदर बात है, यदि हम भगवान के भगत हैं तो कंप्लेन कभी नहीं होगी। तो आगे कहते हैं तस्मात् इसीलिए त्वम् उत्तिष्ठ यशो लभस्व। अब अर्जुन का प्रश्न ये था कि न एतद् विद्वत् कतरन्नो गरेयो यद्वा जयेम यदि वानो जयेयो। द्वितीय अध्याय में अर्जुन ने एक ये प्रश्न उठाया था
कि हे भगवान, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम जीते या उनको जिताए, क्या करें। भगवान ने उसका उत्तर दे दिया कि युद्ध में तुम जीतोगे, और क्या चाहिए। तस्मात् तमुत्तिष्ठ यशो लभस्व, जित्वा शत्रुन् भुंक्ष्व राज्यं समृद्धम्। और ये शत्रुओं को तुम जीत लोगे, मैं बताता हूं, अब तो युद्ध कर। और आगे कहते हैं भुंक्ष्व राज्यं समृद्धम्, और ये जो राज्य है समृद्ध है, इसमें कोई करप्शन के केसेस नहीं है, एकदम पवित्र राज्य है, समृद्ध है। मया एव एते निहता पूर्वमेव, जितने भी यहाँ के लोग हैं इनको मैंने ही पहले मार के रखा है, फिर मैं क्या करूँ। निमित्त मात्र भव सव्यसाचिन, तुम केवल निमित्त बन जा, माने मरे हुए को मारो और गोल्ड मेडल ले लो। देखो संतो, जो कुछ हो रहा है इस दुनिया में हरि की इच्छा से, लेकिन अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन लेते, और इसी के कारण दुख होता है जीवन। कितनी स्पष्ट बात भगवान कहते हैं अर्जुन के माध्यम से हम सब के लिए। देखो इसको ठीक से समझ लेना, हमारे जीवन में जो होने वाला है वो टलता नहीं, तो क्या करें। इसके लिए एक ऑप्शन है, ऑप्शन ये है तैयार रहो। जैसे आप गाड़ी चलाते हो, तो गाड़ी चलाते हो तो ड्राइविंग लाइसेंस किसको मिला होता है, जो गाड़ी चला रहा उसको। अब सामने से आने वाला ट्रैफिक क्या होगा, इस पर ड्राइवर का कोई कंट्रोल है क्या, तो ये ड्राइवर कर क्या सकता है। स्वयं तैयार रहे, कैसा भी ट्रैफिक आ जाए यू हैव टू बी रेडी। इसी प्रकार से जो हमारे जीवन में आना है भविष्य में वो निश्चित आएगा। आध्यात्मिक साधना का तात्पर्य यही है, तैयार रहो, बी प्रिपेयर। कितनी सहज साधना है, लेकिन हमने अपने मन में कुछ बांध के रखा है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, और इसीलिए दुखी होते हैं। देखो संतो, ये बहुत सिंपल बात है, कोई कठिन नहीं। अध्यात्म हम लोगों ने कॉम्प्लिकेटेड बना के रखा है। तो तस्मात् तमुत्तिष्ठ यशो लभस्व, जित्वा शत्रुन् भुंक्ष्व राज्यं समृद्धम्। मया एव एत निहिता पूर्वमेव, मैंने इन सबको पहले ही मार के रखा है, इसीलिए निमित्त मात्र भव सव्यसाचिन्। हम कई मारवाड़ियों के घर में जाते हैं खाना खाने के, मारवाड़ियों की माताएं खाना कभी नहीं बनाती, किचन में खाना बनाने के लिए जेंट्स होते हैं जिनको वो महाराज कहते हैं, पंडित कहते हैं। मुझे एक बार मुंबई में एक लड़की ने पूछा, स्वामी जी यदि आपको अगला जन्म मिला और भगवान ने पूछा कि आप अगले जन्म में क्या बनना चाहते हैं, आप क्या पूछोगे। तो मैंने कहा मैं भगवान को कहूँगा मुझे अगले जन्म में लड़की का जन्म देना मारवाड़ी के घर में, और वो मारवाड़ी बम्बई में रहने वाला हो। बोले ये क्या बात है, ऐसा क्यों। हमने कहा ये जो मारवाड़ी लड़कियां होती है शादी के पहले बाप का पैसा उड़ाती है, शादी के बाद पति का पैसा उड़ाती है, और बुढ़ापे में पुत्र का पैसा उड़ाती है, इससे बढ़कर के और क्या आनंद आ सकता है। काम करने का सवाल ही नहीं कुछ। हम उनके यहाँ गए खाने के लिए, और फिर ये कुक्स जो होते हैं 2-4-6 कुक्स होते हैं हर के घर, और वो खाना बना के देते, और परोसने के लिए माताएं आती है बिल्कुल ठन 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 करके, और कहो अम्मा ये बहुत अच्छा बना है। हाँ। ये नहीं कहेंगे कि कुक ने बनाया। हाँ। और फिर हमको तो चाबी भरने में मजा आता है, ये बहुत घटिया बनाया, क्या बनाया स्वामी जी, कुक्स ऐसे ही होते हैं। अच्छा बनाया तो मैंने बनाया, घटिया बनाया तो कुक ने बनाया। तो हम निमित्त बनते हैं केवल अच्छी चीजों के। देखो महाराज, निमित्त मात्र भव सव्यसाचिन्।
इस जगत में निमित्त बन करके रहने का तात्पर्य है किसी भी चीज का क्रेडिट मत लो। ये कर्तृत्वाभिमान जो है ना, यही हमको गड्ढे में ढकेलता है। एक छोटे से बालक से हमने ये बात सीखी, बहुत सिंपल बात है, किसी के हाथ है हम, वो बालक भयानक राक्षस ब्रांड था। हम जिस कमरे में थे, बीच में आकर के देखेगा स्वामी जी क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और मैं उसको कहा देख रहा तू कुछ भी कर, मेरे टेबल पर जो मेरा सामान है ना, मेरे लैपटॉप में, उसको हाथ मत लगा, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ। बोले ठीक है, फिर भी आएगा इधर उधर देखेगा। एक बार सब लोग बाहर गए थे, मैं अकेला था, तो कोई व्यक्ति आया, उन्होंने एक कोई थैला रख दिया सामान का। बोले स्वामी जी मैं छोड़ देता हूँ, मैं उनको बाद में बता दूंगा। ठीक है छोड़ दो, सामान रख दिया और एक तेल की बोतल रख दी, वही बढ़िया कारपेट, हिल स्टेशन की बात है। और ये लोग आ गए बाहर से, आने के बाद अब ये राक्षस आ गया मेरी जो हाजिरी लेने के लिए। जैसे वो आया, अपने बाप रे क्या करूँ, अब जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, मैं अपना देख रहा हूँ, पुस्तक पढ़ने का नाटक कर रहा हूँ, उधर ध्यान है क्या कर रहा है। उसने जो सामान लाया था सबको उखाड़ के इधर उधर फेंक दिया। अब वो तेल की बोतल कुछ जरूरत है, हाथ लगा देगा, उसको खोला, उठाया और हाथ से फिसल गई और नीचे गिर गई, पूरे कारपेट पर तेल हो गया। और वो इतना शांत था, वैसे चिल्लाया, दादी माँ क्या बेटा जी, देखो ना अपनी ये जो है ना कल्पना, उनके नौकरानी का नाम कल्पना था, ये कल्पना ने देखो स्वामी जी के कमरे में तेल गिरा दिया और मैंने अपने नेत्र कमलों से देखा था। अच्छा दादी माँ आ गई आकर के, अरे अरे कितना खराब किया, ये ऐसी है दादी माँ, आप जानती नहीं उसको। और फिर उस नौकरानी को बुलाया और जो झाड़ना शुरू कर दिया, मैं देख ही रहा था, मैंने आपसे को क्या फर्क पड़ता है, लेकिन सीखने को मिला। वो बच्चा भी जानता है यदि हम ने कुछ किया नहीं तो उसका फल हमको मिलता नहीं। कितना सिंपल सिद्धांत है। इसीलिए जगत में जो कुछ हो रहा है निमित्त मात्र भव सर्वदा चिन, ये प्रभु की इच्छा है, हरि इच्छा से चल रहा है। आपको जहाँ जो काम करने को दिया है करो और हाथ धो करके पकोड़े खाओ, परेशान मत होना। देखो हमने इतना किया, लोग ऐसे लोग वैसे, देखो एक सिद्धांत आपको समझाया, आपको इस दुनिया में किसी को भी हमारे किसी भी कर्म की कोई आवश्यकता नहीं, इसको ठीक पकड़ लो। देखो अपने हिंदुस्तान में 1962 के बाद या उसी समय में एक टाइम्स ऑफ इंडिया में हमेशा आता था आर्टिकल After नेहरू who? He was the first Prime Minister after नेहरू who? और अपने दिल्ली के ही रिक्शा के पीछे बहने पड़ा, 100 में 90 बेईमान, फिर भी मेरा भारत महान, समझे? कितने प्राइम मिनिस्टर आके चले गए, हिंदुस्तान का कुछ नहीं बिगड़ सकता। मुझे एक ने पूछा था, स्वामी जी इंडिया का एक चीज़ बहुत ख़राब है, वो MBA किया हुआ था बाहर के देश से। मैं क्या खराब है, एक ही बोले मैं आपको हजार गिना दूँ? बोले नहीं, एक चीज़ बहुत ख़राब है, यहाँ ये जो प्रिंसिपल है ना चलता है, दिस इज़ वेरी बैड। हमने कहा देखो ये चलता है, प्रिंसिपल से ही दुनिया चल रही है, कैसे ही होने वाला है। इसीलिए निमित्त मात्र का तात्पर्य है अपने कर्तृत्वाभिमान का त्याग कर दे। यदि हमने कर्तृत्वाभिमान का त्याग कर दिया तो हमारे जीवन में सुख दुख पाप पुण्य धर्म अधर्म कुछ भी निर्माण नहीं होगा। भगवान कहते हैं यस्य नाहंकृतो भावः बुद्धि यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान लोकान न हन्ति न निबध्यते। यदि हमारे अंतकरण में कर्तृत्वाभिमान का अभाव हो जाए तो हमारे द्वारा पाप पुण्य का निर्माण नहीं होता। और ऐसा व्यक्ति कुछ भी करे उसको कोई पाप पुण्य नहीं।
अब आप लोग ये करते हो पूजा इत्यादि, जब पूजा के लिए बैठते हो तो पंडित जी आकर के आपको पहले संकल्प दिलवाते हैं, हाथ पे चावल रख दिया, कोई फूल रख दिया, और उसके बाद कहते हैं हाँ कहो मेरे बात। बेचारा पंडित कहते हैं आपको तो पता ही नहीं, हाँ 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 तुसी कह दो, हाँ साहब पंडित मिस्टर तुसी कह दो। वो क्या कहते हैं, ममो उपात समस्त दुरित चय द्वारा अमुक अमुक तारीख को अमुक अमुक का पुत्र अमुक अमुक का सत्यानाश करने के लिए अमुक अमुक कर रहा हूँ। अरे पहले हम संकल्प लेते हैं और कर्तृत्वाभिमानी मैं हूँ ये स्वीकार करते हैं, बाद में कर्म होता है। देखो दशरथ जी ने जो पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया, दशरथ जी ने थोड़ी किया, वो किया है एक पंडित जी ने, तो पुत्र किसको हुआ, पंडित जी को हुआ कि दशरथ जी को हुआ? तो पुत्र होता है यजमान को, क्योंकि उनका कर्तृत्वाभिमान है। इसीलिए निमित्त मात्र भव सभ्यता, जिनका तात्पर्य है हम अपने अंतकरण से ये भ्रांति निकाल दें कि हमारे कारण किसी का भला बुरा हो रहा है। और जो भी कुछ हम कर रहे हैं इसकी दुनिया को आवश्यकता नहीं, ये आवश्यकता हमारी है। विशेष करके माँ बाप लोग समझे, ये हम आपको जो बताने जा रहे हैं ना, आपके पैरों के नीचे की कारपेट खींची जाएगी, हिम्मत करके सुनो। बताओ कि नहीं बताओ, तैयार है? सुनो, माँ बाप को बच्चों की आवश्यकता होती है, बच्चों को माँ बाप की आवश्यकता नहीं होती। जब बच्चे होते नहीं तो माँ बाप परेशान, जब बच्चे होते हैं तो माँ बाप परेशान। देखो लेकिन ये हम भूल जाते हैं और फिर कहते हैं हमने बच्चे के लिए इतना किया, इतना इसको बड़ा किया। क्या किसको बड़ा किया? क्या बिना माँ बाप के बच्चे बढ़ते नहीं क्या? बेटा तुम 40 साल के हो, इतने क्यों हो, माँ बाप नहीं थे इसलिए इतने, ऐसे थोड़ी होता है। लेकिन हमको लगा हमने बड़ा किया, कोई किसी का कुछ नहीं करता है इस दुनिया में, तब प्रभु की लीला चल रही है महाराज। देखो जिस दिन ये बात समझ में आएगी ना, आपने श्लोक का अर्थ समझ लिया कि आप केवल निमित्त मात्र भव सव्य साचिन। सव्य साचिन का तात्पर्य है अर्जुन का एक नाम था, क्योंकि वो दोनों हाथों से धनुष्य बाण बड़ा एक्सपर्ट होकर के चलाता था। इसका तात्पर्य क्या है, दोनों हाथों से माने हमको अपने जीवन में जो भी कर्म आते हैं, डोंट डू एनीथिंग हाफ हार्टेडली, डू इट होल हार्टेडली। ये बहुत महत्व की आध्यात्मिक साधना है, जो भी हम करते हैं ना उसमें पूरा मन नहीं लगाते। अंग्रेजों से ये चीज सीखने जैसी है, हिंदुस्तानियों में ये चीज का पूरा अभाव है। एक उदाहरण आपको देते हैं, एक हमारी पुस्तक है संत ज्ञानेश्वर का एक ग्रंथ है अमृत अनुभव, उस पर हमने अंग्रेजी में लिखा है, काफी बड़ी पुस्तक है। अब एक जर्मन लड़की हमारे पास आई, पुणे की बात है, हम जानते भी नहीं थे उसको, वो रोज सत्संग में आके बैठती थी। तो तीसरे दिन हमने उसको बुलाया, हमने कहा कि तुम यहाँ कैसे आई, कहाँ से आई, कौन हो, क्या हो? उसने बताया, अरे तुमको किसने आकर्षित किया यहाँ आने के लिए? फिर उसने कहा मुझे संत ज्ञानेश्वर के चरित्र ने आकर्षित किया। अरे अच्छी बात है, चलो फिर मैं तुमको एक किताब देता हूँ। तो उसको मैंने ये अमृतानुभव ग्रंथ पर जो हमारी टीका है वो दिया, और उसने उसको बड़ा सूक्ष्मता से अध्ययन किया। तो स्वामी जी बहुत आनंद आया। हमने कहा कि और क्या चाहती हो, बोला आप बताओ मैं वो करूँगी। फिर मैंने कहा कि तुम्हारी इच्छा हो तो तुम इसको जर्मनी में ट्रांसलेट कर डालो, एक ही बार बताया, ओनली वन। 5 साल तक उस विषय में कोई बात नहीं। 5 साल के बाद मुझे उसने एक ईमेल भेजा, स्वामी जी आपने जो मुझे बताया था
इस ग्रंथ का जर्मनी में ट्रांसलेशन करना है, ये मैंने भेजा है आपके लिए, अब आप किसी को दिखा लो ताकि ये योग्य होगा प्रकाशन के लिए, तो हम प्रकाशित करेंगे। केवल एक बार बताने के बाद इतना बड़ा कार्य, कमिटमेंट, होल हार्टेड। हम होल हार्टेडली नहीं करते कोई भी काम, इसीलिए ध्यान को भी बैठेंगे, हाँ कर लेते ध्यान, कितने घंटे करना, आधा घंटा, अरे 15 मिनट हो रहा, ऐसे थोड़ी होता है। खाने के लिए बैठेंगे बिल्कुल इच्छा नहीं मानेंगे और दबाते जाएंगे। वन ऑफ द बिगेस्ट क्वालिटी ऑफ एवरी सीकर इज व्हाट एवर यू डू, डू इट होल हार्टेड। आप एक बहुत उच्च कोटि के साधक हो जाओगे। देखो भगवान का नाम लेना है, होल हार्टेडली ले लो, ओम श्री राम, जय जय राम, ओम श्री राम, जय राम, जय जय राम। राम नाम का रस हृदय में प्रकट होता है। हमारा चक्र ये एक माला पूरी फिर टाइम ही नहीं, फिर वो माला जो है ना वो अड़क जाती है, फिर झटके देते दरबार में। ये छोटा मंत्र तो ठीक बात है, कई बार लंबा मंत्र ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, और आखिरी में जाकर के इस मंत्र का SMS कर देते, ओम भूर्भुवस्वः ओम भूर्भुवस्वः। जैसे जय श्री कृष्ण का JSK करते हैं वैसे हो जाते हैं। इसको करके देखो, जो भी आप करोगे पूरा मन लगा के करना है। जेब में रुमाल रखते हैं तो उसको फोल्ड करके रखना है, सिंपल बात है, लेकिन एकदम लड्डू का लड्डू, अरे इसीलिए कई बार मैं कहीं जाता हूँ ना, सब खाने के लिए बैठे ये चम्मच गंदा है, तो ये माता है, स्वामी जी दूर रहो, तुम दूर रहो, क्योंकि उनका जो पल्लू होता है वो विश्व का साफ कर देता है। व्हाट एवर यू डू, डू इट परफेक्ट। ये परफेक्शन का जो आनंद है ना, ये प्रभु की प्राकट्य की लीला है। तीसरे अध्याय में भगवान बताते इस बात को, यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौंडेय मुक्त संग समाचर समाचर परफॉर्म परफेक्टली। तब जीवन का आनंद आता है। इसीलिए निमित्त मात्र भव सव्यसाचि, दोनों हाथ लगा दो, माने पूरे दिल से लग जाओ। नेवर डू एनीथिंग हाफ हार्ट। और यदि आप इसको सीख लो, प्रैक्टिस करो, तो आपको मेडिटेशन करना नहीं पड़ेगा, आपका खाना मेडिटेशन हो जाएगा, आपका सोना मेडिटेशन हो जाएगा, आपका चलना मेडिटेशन हो जाएगा, आपका बोलना मेडिटेशन हो जाएगा, आपका मौन मेडिटेशन हो जाएगा। जब हम होल हार्टेडली मौन रखते हैं ना, तो कोई प्रयत्न नहीं, और जब हाफ हार्टेडली मौन रखते हैं, नहीं मौन तो रखना है लेकिन घर का काम ही तो बनना पड़ता है ना, फिर क्या करें, फिर कागज पेंसिल ले लो, 15 मिनट रखो ना, ज़्यादा मत रखो, 15 मिनट हम किसी के साथ छोड़ो, अपने साथ बात नहीं करेंगे, कितना ट्राई जरूर करो, लोगों के साथ बात करो, अपने साथ बोलना बंद करो, ट्राई। हम अपने से बोलते, दूसरे छोड़ बोलते, अपने से किसे बोलेंगे, कुछ 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 कुछ
जैसे अंदर में एक पोल्ट्री फार्म खुल गया है, राम राम, इसको जरा सूक्ष्मता से देखो तब ये भव्य सव्य साचिन का में आएगा। जीवन में जो भी करना है पूरे दिल लगा के। अर्जुन की यही कंडीशन थी कि मैं इनको कैसे मारूं, अरे युद्ध के मैदान में आए हो तो क्या है? चाट बेचने आए हो? इसीलिए भव सव्य साचिन, भीष्मं द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च चरणं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमान तिष्ठां युद्धस्वजेतासि रणेशपत्नान्। कहते हैं भीष्माचार्य, द्रोणाचार्य, कर्ण, ये तीन मुख्य वीर थे कौरवों के पक्ष के, और इन्हीं को लेकर के अर्जुन के मन में डर था। भीष्माचार्य को कोई नहीं हरा सकता। द्रोणाचार्य अर्जुन के गुरु थे, और इन्हीं दोनों को लेकर के अर्जुन ने यह प्रश्न पूछा था, कथम भीष्म अहम संखे द्रोणम च मधुसूदनम इशु भी प्रतियोत्सामि पूजा था हरिसूदना। हे भगवान श्री कृष्ण, हे मधुसूदन, हे हरिसूदन, भीष्माचार्य द्रोणाचार्य उनके मारने की तो बात छोड़ो, यदि वो मुझे मारेंगे तो उनका प्रतिकार करना भी मेरे लिए योग्य नहीं है, क्योंकि वो पूजनीय है मेरे लिए। ये अर्जुन का प्रश्न था। भगवान कहते हैं तुम जिनको मारने से पाप समझते हो ना, भीष्माचार्य द्रोणाचार्य, मैंने उनको ऑलरेडी मार रखा है, तू फिक्र मत कर। और कर्ण तो अर्जुन का जानी दुश्मन था। अब जयद्रथ के नाम क्यों आया? जयद्रथ एक साधारण योद्धा था, लेकिन एक चक्कर था उसके साथ। उसके पिताजी ने उसको ये वर दिया था, जो व्यक्ति जयद्रथ का सर काट करके जमीन पर डालेगा उसके सर के 1000 टुकड़े होके वो मर जाएगा। इसीलिए कोई भी जयद्रथ को मारने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वो मर जाएगा। तो ऐसे जयद्रथ को भी मैंने मार रखा है, तू फिक्र मत कर। इसीलिए द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतान्, मेरे द्वारा वो मारे गए हैं ऑलरेडी, तुमको कुछ नहीं करना है। इसीलिए त्वं जहिमा व्यतिष्ठा, इसीलिए तुम ये जो अपने मन में व्यथा ले आए हो उस व्यथा को त्याग दो। और युद्धस्व जेतासी रणे सपत्ना, और मैं तुमको सर्टिफिकेट लिख के देता हूं, इस युद्ध में तुम 100% जीतोगे। देखो भगवान ने अर्जुन के सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए, और जब ये सभी प्रश्न के उत्तर जब अर्जुन ने सुने तो क्या हुआ? संजय उवाच एतश्रुत्वा वचनं केशवस्य कृतांजलिर्वेपमान किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतभीत प्रणम्य। संजय धृतराष्ट्र को बता रहे एवं श्रुत्वा केशवस्य वचनं, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनने के पश्चात किरीटी, किरीटी माने अर्जुन, अर्जुन ने इंद्र को बड़े बड़े राक्षसों का संहार करके मदद करी थी, इसीलिए इंद्र ने अर्जुन को एक विशेष प्रकार का रत्न जड़ित जो किरीटी था एक सर में भेंट करके दिया था, इसीलिए उसका एक नाम किरीटी हो गया। तो कृतांजलि ही वेतमानक किरीटी, तो अर्जुन ने कृत अंजलि दोनों हाथ जोड़ करके और वेपमानहा, और वो अब थर थर कांप रहा था, और नमस्कृत्वा भूय फिर से उसने 10 बार नमस्कार किया, और भीत भीत डर डर के गदगद हो करके प्रणाम करके भगवान कृष्ण को ये कहा। देखो ये ड्रामा लिखना
या कहानी लिखना, इसकी ओरिजिनल आर्ट भगवान वेद व्यास से आई है। अपने जितने भी शास्त्र हैं, वेद रहो और अपने पुराण रहो, भगवद गीता, महाभारत, रामायण, सब में यही पद्धति का उपयोग किया है। इसने ये कहा, उसने वो कहा, इसने वो कहा, ताकि ड्रामा तैयार हो जाता है। अब अर्जुन ने क्या कहा, ये 11वें अध्याय का 36 से लेकर के 46 तक ये जो श्लोक है, ये सबसे श्रेष्ठ प्रार्थना है। आपको यदि कोई प्रार्थना सीखनी हो, करनी हो, तो इस प्रार्थना को, जो अर्जुन की प्रार्थना है भगवान की, वो हृदय में उतार देने से। भगवद गीता में जो अनेक सुंदरताएँ हैं, उसमें यह जो प्रार्थना है सबसे बढ़िया है। अर्जुन कहते हैं, स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत प्रवृष्यत्यनुरञ्जते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः कस्माच्च तेन नमेरन् महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत् त्वमादिदेव पुरुष पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वायुर्यमोऽग्निर्वरुणश्शङ्खः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्ते तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादत पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वं सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् तृणयेन वापि यच्चावहासातमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोऽथ वाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयं पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिककृतोऽन्यः लोकत्रयेभ्यप्रतिमप्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियप्रियायार्हसि देव सोढुम् अदृष्टपूर्वं ऋषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनं कदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। इस अर्जुन की प्रार्थना में अर्जुन का हृदय पूरा का पूरा आ गया था, और ये प्रार्थना अर्जुन ने अत्यंत पूर्ण मन को लगा के कही, इसीलिए ये प्रार्थना बहुत शक्तिशाली है। आप अर्जुन के जैसे बन जाओ और एकाग्रता से भगवान के सामने इस प्रार्थना को नित्य नियम से करते रहो ना, तो आपका आत्मविश्वास जागृत हो जाएगा। हम आपको घटिया चीज नहीं देंगे, फिर आपका बच्चा पास हो जाएगा। पास होके करेगा तो घटिया चीज नहीं देंगे, आपका आत्मविश्वास जागृत हो जाएगा। अर्जुन का आत्मविश्वास खत्म हो गया है। जिस व्यक्ति का आत्मविश्वास समाप्त हो जाता है, वो व्यक्ति किसी भी काम के लिए नालायक हो जाता है।
जीवन में सबसे बड़ी आवश्यकता है आत्मविश्वास की। इसीलिए इसको आप करके देखो पूरे श्रद्धा के साथ। कई लोगों में ये होता है आई डोंट नो विदर आई विल बी एबल टू डू इट और नॉट, अपने बारे में बड़ा हीन भाव होता है। इन सब से निकलने के लिए श्रद्धापूर्वक भगवान की प्रार्थना करने से हृदय में आत्मविश्वास जागृत हो जाता है। आत्मविश्वास माने परमात्मा के कृपा का हमारे हृदय में अवतरण। परमात्मा की जो कृपा होती है ना वो आत्मविश्वास को जागृत करते हैं। भगवान ने अर्जुन के सामने यही किया, केवल उसके आत्मविश्वास को जागृत किया। क्योंकि आखिरी जाकर के भगवान कहते हैं मैं तुमको ये नहीं कहता तुम युद्ध करो, तुमको मैंने जो बताना था बता दिया। विमृश एतन अशेष है ना यथेच्छसि तथा कुरु, जो तुमको बताया है उसके बारे में पूरा विचार करो और ये निर्णय तुम्हारा होगा कि तुम युद्ध करो या ना। ध्यान से सुनना संतो, अपने हिंदुस्तानी माँ बाप बच्चों को बोनसाई बना देते हैं। लेट द किड्स लर्न टू टेक डिसीजंस इन लाइफ, उनको जीवन के निर्णय लेने का ट्रेनिंग देना पड़ता है। हर चीज के लिए मम्मी मैं बाथरूम को जाऊँ क्या, नहीं बेटा थोड़ी देर के बाद जा रहा। ठीक है मम्मी, बड़ा आज्ञाकारी है मेरा पुत्र। आज्ञाकारी नहीं डम्बो है, देखो आत्मविश्वास की बहुत आवश्यकता है जीवन। इसके स्थान पर हम अपने बच्चों को एकदम ऐसे बोनसाई के जैसे बना लेते हैं। दो माताएं एक इंडियन एक जर्मन, ऐसा बड़ा हॉल, दोनों के बच्चे वहाँ हैं। इधर से माताओं को देखा, बीच में जैसे ये वायर होते हैं इसके टेलीफोन के, वैसे एक दो वायर पड़े हुए थे। दोनों बच्चे दौड़ के आए, वायर में पैर अड़ा, दोनों गिर गए। दोनों गिर गए तो हिंदुस्तानी माँ दौड़ के गई, बच्चे को उठाया, मेरा बेटा कहाँ लग गया, ये वायर ने तुमको गिराया, बदमाश तरीका मेरे बच्चे को गिराता है। और वो वायर को मारा दो चार और बच्चे को उठा दिया। अब बच्चे ने क्या सीखा, मेरे दुख का कारण अन्य होता है। और जर्मन माँ थी वो दौड़ी नहीं, उसने कहा उठ, दिखता नहीं क्या, ठीक से चल। फिर उसमें आत्मविश्वास जागृत हो गया। देखो वो प्यार जो व्यक्ति को वीक बनाता है उसको आसक्ति कहते हैं, वो प्यार जो व्यक्ति में आत्मविश्वास जागृत करता है उसको कहते हैं असली प्यार। उसको पहचानो तब जाकर के हमने भगवद्गीता का 11वां अध्याय थोड़ा थोड़ा समझा है। ओम।